वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत निर्माणाधीन सीएससी पीएससी के कार्यों की समीक्षा तथा डेंगू मलेरिया पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा 1 जनवरी 2020 के बाद कोविड या नॉन कोविड से हुई मृतकों के आश्रितों को नौकरी एवं उनके देयकों के भुगतान पर भी चर्चा की गई। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडी हेल्थ के अलावा सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर रेखा रानी चतुर्वेदी, डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जो कि अभी की बिल्डिंग में या रन कर रहे हैं और वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन होना है, हमें नया सब सेंटर या नया प्राइमरी हेल्थ सेंटर या नया सीएचसी बनाने की आवश्यकता होगी। कंपोनेंट है उसको मैं डिटेल में अभी हम लोग एड्रेस करेंगे। पहला है ये कंपोनेंट, बिल्डिंग लेस एसएचसीज पीएचसीज एंड सीएचसीज। इसका 5 साल का शेयर है आपके सामने 1771 करोड़ और इस साल का जो शेयर है लिखा हुआ है ईयर वन करके विद इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमें अब करना है। उसका एलोकेशन भी 2056 करोड़ है और अलग इस साल का भी 387 करोड़ इस साल का है। ये 4 रूरल कंपोनेंट है, अर्बन कंपोनेंट 2 है। नंबर 1 सपोर्ट फॉर डायग्नोस्टिक्स पे, इस पे भी बात हो रही है। अर्बन जो आपकी पीएचसीज हैं उसमें सपोर्ट फॉर डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट एलोकेशन भी आपके सामने है। इस साल तक कितना है आप देख रहे हैं 70 कुछ करोड़ है जिसका भी एलोकेशन इसमें दिया है। रूरल सब सेंटर्स हर जिले में आपकी सूचना में है कि ऐसे अभी ऐसे ही मतलब आप उनको रेंट की बिल्डिंग में रन कर रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्शन के लिए उनका उन पे काम स्टार्ट होना है। या कहीं आपके किसी और सीएसआर से फंडेड हो उनको एक्सक्लूड करना है। इसमें बहुत बार बार इनकी गाइडलाइंस में बहुत शॉर्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत बार बार ये बोला गया है कि इसको किसी और अगर फंड से काम हो रहा हो तो इसमें आप मतलब इसी स्कीम में फिर उसको ना लें।